विश्व प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ भूल गया है। प्रेम को मनुष्य ने इतना दुरुपयोग और उसका उपासन किया है कि बहुत कम लोगों को पता है कि वास्तविक प्रेम क्या है। जैसे जैतून का हर हिस्से में तेल होता है, ठीक वैसे ही प्रेम सृष्टि के हर हिस्से में प्रवेश करता है। परंतु प्रेम को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि ठीक उसी कारण से जैसे शब्द नारंगी के स्वाद को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। तुम्हें फल का स्वाद चखना पड़ता है ताकि तुम उसका स्वाद जान सको। ठीक वैसे ही प्रेम के साथ तुम सभी ने अपने दिलों में किसी रूप में प्रेम का स्वाद चखा है, इसलिए तुम्हें इसका आभास है कि ये क्या है। परंतु तुमने समझा नहीं कि प्रेम को कैसे विकसित करें, कैसे शुद्ध और दिव्य प्रेम में विस्तार करें। जीवन की शुरुआत में आध्यात्मिक प्रेम की एक बिंदु हर दिल में मौजूद है, परंतु आम तौर पर ये खो जाती है, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि इसे कैसे पोषण करे। वह प्रेम को उसके रिश्तेदारों, मित्रों और उन लोगों के लिए महसूस करते हैं जिससे वह जुड़े हुए हैं या आकर्षित हैं। परंतु प्रेम इससे बहुत कुछ है। अगर तुम उस प्रभु के प्रेम का एक अणु भी महसूस कर सको तो तुमने असली कुछ चखा। पहली बार असली खुशी जीवन में आई, इतनी अधिक जिसे तुम संभाल नहीं सकोगे। प्रेम हमें खुशी देता है। हम प्रेम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये हमें इतना आनंद से भर देता है। इसलिए प्रेम अंतिम नहीं है, अंतिम आनंद है। भगवान सच्चित आनंद है, सदा विद्यमान, सदा चेतन, सदा नवीन आनंद। हम आत्मा के रूप में व्यक्तिगत सच्चित आनंद है। आनंद से हम आए हैं, आनंद में हम जीते हैं और हमारा अस्तित्व है, और उस पवित्र आनंद में एक दिन हम फिर से समा जाएंगे। आनंद का वास्तविक अनुभव सर में नहीं बल्कि हृदय में होता है। ये शर्तों के अधीन नहीं है, ये अक्सर किसी भौतिक कारण के बिना प्रकट होता है। कभी कभी तुम सुबह उठते हो और आनंद घट जाता है और तुम नहीं जानते ऐसा क्यों, और जब तुम गहन ध्यान की शांति में बैठते हो तो आनंद अंदर से फूट पड़ता है। किसी भारी उत्तेजना से उभरा नहीं, ध्यान का आनंद अतुलनीय है। जो लोग वास्तविक ध्यान की शांति में नहीं गए वे वास्तविक आनंद क्या है इसका अनुभव नहीं करते। ध्यान में आनंद उमड़ता है, कुछ शर्तों के तहत आनंद अभिव्यक्त होता है, लेकिन वह उन शर्तों से नहीं बनता। इस प्रकार जब कोई एक को बहुत सा धन प्राप्त हो जाता है और वो कहता है ओह मैं कितना खुश हूं, तो उस धन प्राप्त करने की स्थिति ने केवल एक कुल्हाड़ी का काम किया है जो भीतर के आनंद के छिपे हुए भंडार से एक झरना छोड़ती है। इस प्रकार मानव अनुभव में आनंद को बाहर लाने के लिए आमतौर पर कुछ घटनाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन खुद आनंद आत्मा की सदैव मौजूद मूल अवस्था है। प्रेम भी आत्मा का मूल स्वभाव है, लेकिन प्रेम आनंद से माध्यमिक है। प्रेम के बिना आनंद नहीं हो सकता। क्या तुम आनंद के बिना प्रेम की कल्पना कर सकते हो? नहीं। प्रेम के साथ आनंद आता है। जब हमें कभी प्रेम से दुख मिला है तो वो सिर्फ हमारी अपूर्ण लालसा को दर्शाता है। प्रेम का वास्तविक अनुभव हमेशा आनंद के साथ होता है। प्रणाम।